ने घर का काम लगाना है, थोड़ी सी पौड़ी बाहर आ जाती है तो आप जेसीबी लेकर चले दौड़ जाते हो, वहाँ कौन सा कानून होता है? किस मुद्दे को लेकर आए पास? देखिए जहाँ पर ये जो ग्रास ट्राई लैंड है जो सामने दिखाई दे रही है, पूरी ग्रास ट्राई लैंड है और 95 खसरा नंबर है ये, और जहाँ पर 2013 में है, जनवरी 2013 में चौधरी लाल सिंह ने जहाँ पर 8 लाख रुपया दिया था इसको पार्क बनाने के लिए, तो कुछ लोगों ने, जहाँ के लोगों ने 12 बंदे के सिग्नेचर करके जहाँ पर स्टे किया, तहसीलदार हीरा नगर में 2013 से एक स्टे है, एक अभी एक पटिशन जारी हुई है हाई कोर्ट में, तो उसका भी वायलेशन कर रहे हैं और उसका भी वायलेशन कर रहे हैं। और मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, उन पटवारियों से पूछना चाहता हूँ, उन मैं गुरुद्वारों से पूछना, उन तहसीलदारों से पूछना चाहता हूँ जो एक तरफ इतने इतने बाल मार्ट तोड़ रहे हैं, एक तरफ दुकानें तोड़ रहे हैं, एक तरफ मैंने देखा है कोई तहसीलदार गया था, कोई किसान बेचारा उसकी खेती में उसने धान लगाया था कोई नगरी साइड में, वो उखाड़ रहा कह रहा था 1 इंच जगह भी हम नहीं देंगे, तो जहाँ पर ये बताइए जो इतना ये तो सिर्फ एक वो बहाना बना रहे हैं, उसके बाद इन्होंने जो इंक्रोच किया, हमने बहुत बार कंप्लेन की है कि इसको आप जो इंक्रोचमेंट है, वाटर बॉडी है, तालाब के किनारे हैं, जो मेन स्ट्रीट हैं, गलियां हैं, छिड़कें हैं, उनको आप खुला कीजिए। तो इन्होंने तहसीलदार हो चाहे पटवारी हो, जब पहले काम लगता है तब नहीं आते हैं, अभी हम बोल रहे हैं जो काम इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन रोको, लेकिन इसे इन्वॉल्व ऑफिसर भी इन्वॉल्व है, तो मैं जानना चाहता हूँ इसका कोई वार्ड हुआ है, इसकी कोई एक्सचेंज हुई है, इसके कोई लीगली कोई पेपर है, ये शताना सही थोड़े है, बदमाशी थोड़े है, कोई डकैती थोड़े है, जहाँ पर कोई अंतवाद थोड़े फैला के जो आएगा जहाँ पर घास चराई में काम लगा देगा, ये एक फैक्ट है, सच्चाई है, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपने जो घास चराई और स्टे लैंड को कवर करना है तो फिर इतने इतने बाल मार्ट के अंतर उड़े, उनका नुकसान क्यों किया, उनकी भरपाई की जाए, एक तरफ आप उनके जो बड़े व्यापारी थे जो रोजगार दिया था 500-600 बंदों को काम दिया था, उनके आपने कमर्शियल तोड़ दिए वो काम करने वाले, दूसरी तरफ आप जहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जो दादागिरी है, कोई ताना चाहिए है, कोई ऑर्डर है, कोई नया कोई ऑर्डर आया है, कोई लॉ आया है, तो बताइए, तो सभी लोगों को घास चराई में परमिशन दीजिए कि आप भी बनाइए यार, गरीब बंदे हो लोगों, आप भी बनाओ, अगर नहीं है तो फिर ये क्या है, मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ, आप बिल्डिंग बनाओ, जहाँ पर ताजमहल बनाओ, मैं कौन सा रोक रहा हूँ, लेकिन आपके पास कोई लॉ है, ऑथेंटिकेशन है, प्रूफ है आपके पास, किसी ने आपको अप्रूव्ड किया है या दादागिरी है, तो अगर बनती है तो ये दादागिरी है, ये सरकार की एक दादागिरी है, चुनिंदा लोगों को चुने जा रहा है, इसको हिट करो, तो ये फिर एक ट्रांसपेरेंसी जो गवर्नमेंट में है, ये एक गुंडागर्दी है, एक बदमाशी है, एक ताना चाही है, जो आपके सामने मैं सभी को बताऊंगा, मैं खैर हम जहाँ के खड़ो के बता रहा हूँ, ये एक दादा ही लैंड 95 नंबर है, कोई आके इसको बता दे कि ये झूठ है, जो चेयरमैन झूठ बोल रहा है, और मैं सच्चाई के हक में बोलूंगा, झूठ के साथ मैं कभी भी तालमेल नहीं करूंगा, बना लो मैं तड़वाऊंगा इसको, जब हाई कोर्ट का जो डिसीजन आता है, जिन लोगों ने भी इंक्रोचमेंट की है, रास्ते कवर किए हैं, जिन लोगों ने तालाब कवर किए हैं, चाहे उनने ताजमहल बनाए होंगे, अगर हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो टूटेगी जे ऐसे इनकी जो ये जो है जबरदस्ती ये नहीं चलेगी, चाहे कोई तहसीलदार है, चाहे कोई अदर्स है, अपर लेवल का ऑफिसर है, कल हम डिवकाम से मिले थे, डिवकाम साहब ने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर कोई कानून है, कानून में ये बताया गया कि घास चराई लैंड पर कोई भी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, तो फिर ये कैसे हो रही है, या तो ये ऑफिसर अनपढ़ है, इनको आता नहीं, या सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हो गया, हमने सैलरी खानी है, पैसे खाने हैं, सैलरी खानी है, तो खाते रहो कुर्सी पर बैठ के, लोगों को तो इंसाफ मिल नहीं ले रहा है, एक BDC का चेयरमैन, उसका प्रोटोकॉल एक ब्रिगेडियर के लेवल का होता है, DC के लेवल का होता है, उसको तो आप ऑनर कर नहीं रहे हो, उसको तो आप कंसीडर कर रहे हो, आम बंदे को क्या पूछोगे, आम बंदे को नजायज तंग करते हो, अगर किसी सरकार अपनी मर्जी से जो मर्जी करती जाए, आम शहरी अगर कोई काम करे तो उसको इनको प्रॉब्लम हो जाती है, कहाँ तहसीलदार, कहाँ पटवारी, कहाँ गर्दौर, कहाँ गए हैं वो रेवन्यू वाले, कहाँ हैं, पूछना चाहता हूँ क्या है जी, क्या माजरा क्या है जी।